चलो भैया आज तो कपड़े भी मिल गए। ब्लू हो गया। नहीं अच्छा है, दिवाली पे कपड़े भी मिल गए हैं। मीठे पुए नहीं यार, ब्लॉग के नहीं है पागल के। कोई भी हमारे घर आएगा तो इसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा उन्हें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है दिवाली, आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ, तो आज हम यहाँ पर आए हैं लंच करने के लिए, मैं बुलाया है। तो दिवाली में सबका मिलना जुलना हो जाता है, इस वजह से पापा ने फ़ोन किया था। तो हम लोग यहाँ पर मम्मी लोगों को मिलने आए और मिठाई विठाई भी देनी थी, तो अभी हम यहाँ पर आए हैं और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कैसी डेकोरेशन हुई है। तो गाइज यहाँ पर देखो, ये फूलों की माला लगाई है गेट पे, कितनी सुंदर लग रही है, दिवाली में बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो ये जो मेन डोर है इस पे भी, और ये बनाई है रंगोली। तो यहाँ पर अभी हमारा चाय नाश्ता हो गया है, मिठाई वगैरह खा ली हमने, चाय और पानी मतलब जो भी है। चाय छोड़ दे अपनी। अरे चाय मैं पी लेती हूँ अपनी, चाय पी लेते हैं। ये देखो ये रवीना है मेरी बहन, हाय। और ये मेरी उसके हस्बैंड है। ये मेरे पापा अटो भाई आयुष, ये देखो एक ये है, इसको आपने कई बार देखा होगा व्लॉग में, मैं आऊं। तो गाइज यहाँ पर बन रहे हैं ये आलू के पूरी, आलू नहीं, अच्छा गेहूं की पूरी, हमारे यहाँ दाल की पूरी बनती है, आलू की भी बनाते हैं वैसे। और ये पकौड़ी बनी है उड़द दाल की जो मैंने बनाई है। और ये देखो ये है गैर की दाल, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें लहसुन, धनिया, मसाला, अजवाइन, ताकि गैस ना हो ना। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि ये तेल वाला खाना खा के थोड़ा सा हो जाता है ना। इसमें क्या है? इसमें चावल रखी। अच्छा इसमें खाना बन गया है साइड में। गाइस अब यहाँ पर रवीना बना रही है रंगोली। अच्छा ठीक है, कहाँ पर बनाएगी? तो गाइस ये मम्मी ने यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये शो का प्लांट है, मतलब इसकी जो लीफ है ना काफ़ी अच्छी लगती है, पिंक और साइड में ऐसा हल्का सा डार्क कलर है ये। और ये गेंदे के फूल हैं, ये देखो दिवाली पे तो गेंदे के फूल मतलब सबसे ज़्यादा चलते हैं, येलो वाला गेंदा, ये ऑरेंज वाला, और बाकी देखो ये प्लांट लगाएं। तो गाइज यहाँ पर आ गई हैं ये उड़द दाल की पकौड़ी और ये क्या कहते हैं स्वाले, हाँ वो किसके हैं गेहूं के, और ये हरी चटनी और साथ में घी। तो हमारे यहाँ ना घी के साथ खाए जाते हैं पकौड़े, मतलब ये हमारे यहाँ का रिवाज है टिहरी का कि घी के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी खाएंगे अभी हम। चलिए अब शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसे हो रहे हैं। किस चीज की बनाई? पुदीने की। मैं भी सोच रही थी आज चटनी बनाने के लिए, बना नहीं पाई, घी में खाऊं ना कैसे रहा, में थोड़ा टेस्ट आता है। अच्छा मम्मी तो सही बना रही, कर मैंने तो मोटे मोटे बनाए, अपनी तरह फूल वाले बनाए, ऐसे ही वाले बनाए मैंने, टेस्ट कर ले। तो गाइज ये हम हमारे लिए यहाँ पर सूट आए हैं, जब हम शादी में गए थे तो भाभी लोगों की तरफ से दोनों बहनों के लिए सूट आए हैं, और ये मुझे तो ये वाला कलर पसंद आ रहा है। बहन तेरा सूट ये वाला, ये ले। नहीं, 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 मैं ये नहीं यार, ये अच्छा लगा। नहीं ये मैं, मुझे ये कलर बहुत सुंदर लगता है, मैं लाइट पहनती हूँ यार। यार ये भी तो लाइट ही है, तेरे पे ये कलर बहुत सूट करेगा। नहीं कलर है। मुझे ये कलर पसंद नहीं है, नहीं, ये रखूं और दे यार ना, ये मैंने रख दिया, दे दे बहन, दे 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 दे, रख ले। यस तो फाइनली मैंने ये कलर ले लिया और मैं यही पहनूंगी। अच्छा है ठीक है। एंड गाइज ये कुर्ती आई है, ये भैया की है, मतलब भैया ने रक्षाबंधन पे दी थी मुझे, मैंने रख ली मैरून कलर की और ये रवीना ब्लू कलर की। इसके लिए कैसी लगी बहन? ये अच्छी लग रही है, काफी अच्छी है। ठीक है चलो भैया आज तो कपड़े भी मिल गए। ब्लू हो गया।
नहीं अच्छा है, दिवाली पे कपड़े भी मिल गए हैं। एंड गाइज यहाँ पर हमारा दिन का लंच आ गया है, खाने में बनाया है चावल, ये है दाल और ये है सब्जी और ये रायता और साथ में ये सैलेड, और सभी लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। बहन जा रही है अपने घर, मिठाई हो चुकी है, लिफाफा मिल चुका है, दिखाओ जरा लिफाफा, रख दिया क्या, बड़ी जल्दी रख दिया तुमने बैग में। ओ ठीक है कोई बात नहीं। एंड गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं और इसके बाद आपको घर पे मिलेंगे। थोड़ा बहुत मार्केट में सामान लेना है, पटाखे लेने हैं दिवाली के लिए और थोड़ा बहुत मिठाई लेनी है, अभी दो तीन जगह जाना है मिठाई लेने के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं। पहुंच गए यहाँ पर पटाखे लेने के लिए, ये देखो अर्बन बाई पे सेल लगी हुई है। अरे ऐसे देखो कहाँ जगह मिलती है, आज तो जगह मुश्किल है यार, यहाँ भीड़ हो रही भयंकर। रुको मैं उतरती हूँ, एक मिनट रुको 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 रुको। ओ बाप रे कितनी भीड़ हो रही है वहाँ सामने, पटाखों के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड गाइज हम यहाँ पर पटाखे लेने आए लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, क्या करें, दूसरी जगह जाना है क्या। ये देखो पीछे कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, जगह ही नहीं मिल पा रही है पटाखे लेने के लिए। एंड गाइस अब हम दूसरी जगह आ गए पटाखे लेने के लिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम मिलते हैं या नहीं। ले लो इससे ले लो, सही है ना भैया पटाखे, पटाखे तो ठीक है ना। वैसी वाली नहीं आती क्या जो पहले आती थी, वो छोटी आती है ना, उसमें हाथ से लेना डर होता है। नहीं अंदर रखने की रील वाली अब नहीं आती। अच्छा हमारे टाइम पे वही आती थी ना, पत्थर से भी फोड़ते थे हम उसे। वही तो वही तो कह रही मैं। ले लिए अब कहाँ जाना है, मिठाई लेने, मिठाई नहीं कहाँ लेनी। अच्छा मिठाई इनके लिए लेनी। हाँ कितने लोगों के लिए लेनी। चलो बैठो पहले कुनो, चलो बैठो। हम लोग घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखो कुन लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। कुनु फोड़ो, कुनु को नहीं आ रहा शायद ना, कुनु फोड़ो, दबाओ उसे प्रेस करो। हाँ गुड, मजा आ गया। ओ फोड़ो, वेरी गुड, अरे वाह अरे वाह। एंड गाइज अब करते हैं रात की खाना बनाने की तैयारी कि क्या क्या बनेगा, तो आज हम क्या बना रहे हैं अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज लक्ष्मी पूजन है तो थोड़ा सा भगवान जी के लिए भी प्रसाद बनेगा, उसमें मीठे पोहे बनेंगे और क्या बनाएंगे सोच रहे हैं कि आलू की पूरी बनाएंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अभी हम बना रहे हैं ये मशरूम और मटर की सब्जी बना रहे हैं, तो इसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ।
गाइज अभी हम जा रहे हैं मोहल्ले में मिठाई देने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। देखो भाई देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, पूरा मोहल्ला एकदम मस्त। और आज बहुत ज़्यादा भागम भाग भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं, खाना भी बनाना भी थोड़ा बहुत बन गया है। इतने में मैंने सोचा कि मिठाई लेके आ जाती, उसके बाद पूजा भी करनी है और काफ़ी सारे लोग आ जा भी रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हौच पौच हो रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं गाइज। वो हमारा घर है देखो सामने, कितना सुंदर लग रहा है सामने से। और हम यहाँ पर मिठाई देके आ गए हैं, अब करेंगे पूजा। आगे से दिखाती हूँ मैं आपको। एंड गाइज अभी आ गए हम पूजा करने के लिए मंदिर पे, तो पहले तैयारी कर लेते हैं पूजा की, पूरा सामान सही से लगा देते हैं, उसके बाद करेंगे पूजा। तो चलिए अब कर लेते हैं। ये प्रसाद, ये मीठे पोहे बनाए हैं भगवान जी के लिए, तो इसे खा लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा है, सारे जगह पटाखे फूट रहे हैं। अभी हम लोग फोड़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम अपना खाना वाना खाएंगे, सुबह पटाखे फोड़ेंगे। एंड गाइस तो अभी अभी मेरा भाई आया है और उसका फ्रेंड, तो इन लोगों की थोड़ा सा खातिरदारी चल रही है। इन्होंने चाय के लिए मना कर दिया तो फिर मैंने इनको जूस दिया है, इन्हें गर्मी ज्यादा लग रही है ना, गर्मी लग रही है ना तुम्हें, कुछ तो बोल लो यार। गर्मी लग रही है। हाँ ये खा लो ना, मिठाई ले लो, ये पोहे हैं मीठे पोहे। नहीं यार व्लॉग के नहीं है, पागल है, कोई भी हमारे घर आएगा तो इसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा उन्हें। एंड गाइस अब यहाँ पर डिनर की तैयारी मतलब शुरू हो चुका है डिनर। कैसा हो रहा भाई खाना, मटर मशरूम और क्या क्या खा रहे हो तुम बताओ तो सही। मटर मशरूम है, अपन रायता और आलू पूरी। आलू पूरी दिखाओ जरा, ये रही ये आलू की पूरी है और ये मीठे पोहे। चलो खाओ आराम से, ठीक है शर्माना मत। नमक दे रही हूँ। एंड गाइस अब हम लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोगों ने खाना खा लिया एंड हमारा खाना लग चुका है, अब हम मिलते हैं। हाय गाइस, ये हमारे फ्रेंड्स है मतलब हम कॉलोनी के सभी लोग, यहाँ पर मीटअप हो रहा है हमारा। हाय कर दो, हैप्पी दिवाली लोगों को, हैप्पी दिवाली। आप लोग भी इनको अच्छी अच्छी विशेस देना कमेंट में जरूर। मम्मी और पापा आए हैं
पटाखे फोड़ने के लिए हमारे यहाँ। बाय कर दो मम्मी, बाय। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग, होप आप लोगों को मेरा ये दिवाली का ब्लॉग पसंद आया हो, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया हो, मैंने भी बहुत इंजॉय किया। एंड गाइज अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। नीचे आ गया, हे भगवान, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, इधर, अरे जल गया वो साइड, अरे मत करो ऐसे, इधर इस प्लॉट से डालो अभिषेक, अभिषेक इस प्लॉट से डालो, इस प्लॉट से डालो, इस प्लॉट से।